नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हम पहुंच चुके हैं राजगीर और राजगीर में सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं ब्रह्मकुंड। अब ब्रह्मकुंड इसलिए क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें ऐतिहासिक हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर मुस्लिमों का आना वर्जित है, सिर्फ हिंदू ही आ सकते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, ये लंबा सा स्टेयर जिसे अभी मुझे चढ़ना पड़ेगा एंड आई एम टू मच टायर्ड। सो आधा सीढ़ी है वो खत्म हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा और ऊपर बचा है, बस थोड़ा ही ज़्यादा ऊपर चलना है एंड देन हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। और जिस बोर्ड की मैं बात कर रही थी वो बोर्ड मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने आपको बताया कि मुस्लिमों का आना यहाँ वर्जित है। सो कम्प्लीटली उसके लिए एक बोर्ड भी लगा दिया गया है एंड हियर इज दैट बोर्ड जिसमें लिखा हुआ है, सूचना माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुस्लिम संप्रदाय का प्रवेश यहाँ पर निषेध है। और ये कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ है, तो उसके लिए ये बोर्ड जो यहाँ पर लगा दिया गया है। सो आगे जो और कुछ लोग मुझे अगर मिलते हैं तो मैं उन लोगों से बात करूंगी क्या इसके पीछे की कहानी क्या कुछ थी। तो ऊपर फाइनली हम पहुंच चुके हैं और सबसे पहले माता रानी का दर्शन। माता रानी के ये मंदिर है, यहाँ पे देखिए श्री राम जी और साथ में सीता माँ और लक्ष्मण जी और हनुमान जी हैं। यहाँ पे पंडित जी भी हैं, इनसे मैं थोड़ा पूछती हूँ। पंडित जी ये बताइए, यहाँ पे देखा जो बोर्ड टंगा हुआ है मुस्लिम का आना यहाँ पे वर्जित है, आखिर कुछ वजह था क्या इसके पीछे? वजह तो बहुत पुराना समय का सब नोटिस दिया हुआ है कि इस समय मुस्लिम लोग का मस्जिद बगल में ईदगाह उसी समय का यहाँ से आने जाने का रोक लगा दिया गया। अच्छा, कुछ मतलब कोई ऐसी कहानी या कुछ ऐसा चीज हुआ था कुछ याद हो आपको? चलिए बात है ना मैडम कि यहाँ हिंदुओं का सारा चीज़ है, मुस्लिम लोग का कुछ है ही नहीं। और वैसे अभी आप जानते हैं कि मुस्लिम का मेन भोजन जो है गौ का मांस है, ठीक ना, वो खा के मुस्लिम लोग प्रवेश कर जाए हमारे मंदिर में, ये हमारे आस्था के खिलाफ है, ठीक ना। वैसे अगर मुस्लिम कोई हिंदू संप्रदाय को अपनाना चाहे कि मेरा जो यहाँ पर पूजा पाठ होता है, जैसे आप राम मंदिर का विवेचन किए, तो यहाँ पे वो संकल्प छुड़ा के कि मैं हिंदू धर्म को स्वीकार करता हूँ। ये थोड़ा फेमस है बहुत ज्यादा, तो किस पर्पस से है ये? ब्रह्मकुंड गर्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ। यहाँ राजा बसु यज्ञ किए थे, जो ब्रह्मा जी का पौत्र थे। अच्छा। समझे, तो वही यज्ञ करके वाजपेयी यज्ञ हुआ था तो ब्रह्मकुंड का निर्माण हुआ। अच्छा। सात ऋषि आए थे यज्ञ करवाने के लिए और ये यज्ञ हुआ था किसके नाम पे? ब्रह्मा जी के नाम पे, इसीलिए वाजपेयी यज्ञ। हाँ, तो जैसे हम कोई दुकान खोलते हैं या मकान बनाते हैं तो अपने पूर्वजों का नाम देते हैं, तो वही वो पौत्र थे ब्रह्मा जी का, तो वो ब्रह्मकुंड का जी नाम रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। उसी समय से आदि काल से ब्रह्मकुंड है। तो जैसे कि उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है बहुत पहले राजा ने यज्ञ करवाया था और उसके बाद ये ब्रह्मकुंड जो है वो यहाँ पर लाया गया था और हम वो ब्रह्मकुंड के पास पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये गेट जो है लगा दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ के जस्ट बगल में आप राइट साइड में देखिए लिखा गया है प्रवेश निषेध, इसके अंदर जाना मना है। तो हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आपको यहीं से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर का नज़ारा आखिर कैसा है। आप देख रहे होंगे ये स्टेयर, ये सीढ़ी जो है और उसके ठीक नीचे वहाँ पर आपको पानी जो है वो दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा जूम करके आपको हम दिखाते हैं क्योंकि अंदर जाना जो है वो मना है, इसलिए हम आपको यहाँ से अच्छे तरीके से कैमरा के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए जो पानी है, खास बात यह है कि ये पानी हमेशा गर्म रहता है। 42 कितने डिग्री सेल्सियस पे रहता है? 42 डिग्री सेल्सियस इसका जो है हमेशा ये वाटर जो यहाँ पर रहता है। आप सोचिए कितना खौलता हुआ पानी होगा और बीच बीच में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कुछ बबल्स भी वहाँ पे आ रहे हैं एंड दैट बबल शोज यू कि यहाँ पे कितना गर्म जो है वो पानी है। सो ये है ब्रह्मकुंड और इसके बारे में भी आप बता रहे थे, ये ब्रह्मा जी के क्या बताया था आपने? पौत्र, राजा पौत्र जो थे। अच्छा, उनके पौत्र ने यहाँ पे यज्ञ कराने के बाद ये ब्रह्मकुंड जो यहाँ पर आया था। इसके अलावा आगे भी देखिए इधर सप्त धारा है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जो सात ऋषि आए थे उन्होंने यहाँ पे इसको आह्वान किया था इसका। जी जी, तो देखिए यहाँ पर अंदर हम जा सकते हैं ब्रह्मकुंड देखने के बाद। अब हम आपको वो सप्त धारा दिखा रहे हैं
जो बताया जाता है कि जब ब्रह्मदेव के पौत्र ने जो करवाया था यज्ञ, उसे करवाने के लिए सात ऋषि जो है आए थे, और ये वही सप्त धारा है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो नहाते भी हैं। तो देखिए, आपको दिखा रहे हैं भारद्वाज मुनि, ये नंबर वन ऋषि थे। आप देखिए, यहाँ पे स्टेचू भी लगा हुआ है और इसके ठीक नीचे यहाँ से धारा भी निकल रही है, लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं दूसरा, और ये दूसरा जो है ये है विश्वामित्र मुनि, और यहाँ पे भी आपका स्टेचू है वो बनाया गया है, और इसके ठीक नीचे जो आप ये धारा निकलता हुआ देख रहे होंगे, जहाँ पे हालांकि आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि लोग जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर यहाँ पे नहाते रहते हैं। तो ये जो धारा है ये पहाड़ से निकलती है, और इसके बाद थर्ड नंबर पे है गौतम मुनि, गौतम मुनि का ये आपको दिख रहा होगा तीसरा नंबर, और यहाँ पे देखिए ये धारा आपको दिखाई दे रही होगी, ये सब पहाड़ से नीचे उतरता है। और ठीक इसके आगे चौथे नंबर पर वशिष्ठ मुनि, तो अभी ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये चौथे मुनि की वशिष्ठ मुनि है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको वो स्टैचू भी उनका दिख रहा होगा, और ये यहीं से वो धारा निकलती है। एंड यू कैन सी ये जो, और इसको अगर आप टच करके देखेंगे, लाइक आई एम वॉशिंग माई हैंड, तो ये बहुत ही गर्म है, गर्म पानी निकल रहा है इसे, और इसीलिए ठंड में जो लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग यहाँ पे नहाते भी हैं। और इसके अलावा आगे हम आपको दिखाते हैं, ये चौथा मुनि था, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये फिफ्थ जमदग्नि मुनि जो है पांचवे नंबर पे, जमदग्नि मुनि, और ये है यहाँ से धारा, क्या बोल रहे थे, दो धारा बंद हो गया, अगस्त मुनि और त्रिम मुनि का। अच्छा अच्छा जी जी, तो फाइनली ये पांच जो आपको हमने दिखाई, ये पांच ऋषि, हालांकि सात ऋषि जो है वो आए थे, लेकिन दो ऋषि के जो धारा है वो भी बंद हो गया है, इसलिए पांच को अच्छे तरीके से अरेंज करके यहाँ पे लगाया गया है। और आप भीड़ देख रहे होंगे कि कितने सारे लोग यहाँ पर नहाने के लिए और एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो आप भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको ब्रह्म कुंड दिखाया, और आपने देखा किस तरीके से ब्रह्म कुंड में जो पानी था वो 42 डिग्री सेल्सियस पर वो वाटर हमेशा रहता है, और सात धाराएं हमने आपको दिखाई, और साथ ही आपको ये बताते थे कि इसके पीछे जो खास बात यहाँ पर है, आप मेरे पीछे जितना भी ये देख रहे हैं जो मंदिर जैसा ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब में कहीं ना कहीं जो है कुंड है, और टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 22 कुंड यहाँ पर हैं, और हर एक ऋषि के नाम पर ये कुंड यहाँ पर है। तो जैसे आप देख रहे होंगे वो ब्रह्म कुंड महाकालेश्वर मंदिर का दिख रहा होगा, और उसके अलावा और भी बहुत सारे कुंड यहाँ पर हैं, जैसे हम आपको यहाँ पे देखिए ये व्यास कुंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये मंदिर के ठीक बगल है, आप ये व्यास कुंड देख रहे हैं, इसके पीछे से अंदर जा करके जो है राधा देखिए नहा के सब लोग यहाँ से निकल भी रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार उधर ऋषि मार्कंडेय कुंड है, और भी बहुत सारे कुंड है, टोटल 22 है, और सब में गर्म पानी ही रहता है, इसलिए लोग जब सर्दी के मौसम में आते हैं तो आराम से नहाते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।